हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ पोहा सुबह नाश्ते में। और अभी सुबह के 9 या फिर 10 बज रहे होंगे, टाइम नहीं पता। और यहाँ पे मैं पोहा की रेसिपी बताऊँगी। ये मिर्च और 2-3 मिर्च लेना है और एक प्याज लेना है। और इसमें तेल 1 चम्मच और राई डाल देना है। राई थोड़ा सा मतलब तड़क जाए तो उसके बाद सींग डाल देना है, जो कच्चा सींग होता है ना वो। और पोहे को धो के रख देना है। जालीदार जो होता है ना, टोकरी वगैरह, उसमें, ताकि उसमें पानी ना रहे, वरना फिर वो गीला हो जाएगा ना, तो फिर ऐसे मतलब खुला खुला नहीं बनेगा, पूरा पानी जैसा हो जाएगा। और इसमें अभी मिर्च डाल देना है। मिर्च डालने के बाद फिर उसमें प्याज डाल देना है और फिर अच्छे से इसको भून लेना है। गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक भून लेना है उसको, ताकि अच्छे से सब पक जाए। बहुत लोग टमाटर भी डालते हैं, लेकिन वो अपने पसंद के ऊपर होता है। पसंद है तो डाल सकते, वरना नहीं डालते। मुझे तो नहीं पसंद है, इसलिए मैं टमाटर नहीं डालती हूँ। और आप लोग इसे सादा भी बना सकते हो। कड़ी पत्ता नहीं था इसलिए फिर मैंने डाला नहीं। आप लोग कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो। और कोई कोई तो आलू भी डाल के बनाते हैं, आलू पोहा बोलते हैं, लेकिन ऐसा सादा ही अच्छा लगता है, इसलिए फिर मैं सादा ही बना रही हूँ। और फिर अच्छे से इसको फ्राई होने के बाद उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देना है। और हल्दी डालने के बाद फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। उसमें जब फ्राई करते हैं ना, उसमें ही डालना है पोहा, मतलब पोहा डालने के बाद फिर हल्दी और नमक नहीं डालना है, फिर हल्दी कच्चा कच्चा रह जाएगा ना, इसलिए पकेगा नहीं। इसलिए फिर तेल में इसको हल्दी नमक को डाल के उसके बाद में लास्ट में बस स्लो कर देना है, गैस की फ्लेम को स्लो करके फिर इसको अच्छे से चला देना है। कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से इसको पूरा चला के अच्छे से लो मीडियम पे आंच पे पका लेना है। ये देखो इस तरह से, और बहुत ही ऐसे खुला खुला बनेगा पोहा। और फिर नाश्ता में फिर मैंने आज पोहा ही बनाया था। और आज घर की साफ़ सफाई भी बहुत करना है। हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं यहाँ पे। और मैंने चाय भी बनाया था सुबह, तो चाय मतलब चाहिए ही होता है, चाय के बिना तो दिन शुरुआत नहीं होती। और यहाँ पे देखो मैं चाय बना रही थी। चाय तो मतलब सुबह सुबह का, मतलब कहते हैं ना सुबह सुबह चाय मिल जाए तो दिन ही बन जाता है। और यहाँ पे देखो मैं चाय बना रही थी। और आज मतलब घर की सफाई भी बहुत करना है, क्योंकि दिवाली आ रही है ना, उसके वजह से मतलब थोड़ा घर की साफ़ सफाई करनी है। और अभी ज़्यादा दिन नहीं बचा है दिवाली को, इसलिए मतलब थोड़ा बहुत करके रखेंगे सफाई तो अच्छा है। और यहाँ पे मॉर्निंग की चाय आ गई है। यहाँ पे मैं अभी चाय पी रही हूँ। नाश्ता वगैरह हो जाएगा, उसके बाद फिर घर का साफ़ सफाई भी करेंगे हम लोग। और यहाँ पे देखो ये सब साफ़ करना है, ऊपर भी पूरा साफ़ करना है,
और ये सब ड्रम वगैरह में सब इसमें धोकर इसमें सब भर कर रखना है। और मतलब मेरे हस्बैंड भी मतलब साथ में करा रहे, क्योंकि अकेले तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर मैं चढ़ नहीं पाती हूँ ना, इसलिए फिर मुझे मतलब मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं, इसलिए वो ही मतलब सब आधा काम उन्होंने किया है। तो सब ड्रम वगैरह धो के फिर ऊपर इसको मतलब इसमें सामान भर के रख देंगे, क्योंकि सब फैला रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। ये देखो सब कितना, वो कबाट के ऊपर भी कितने सारे सब थैली वगैरह ऐसे सब पड़े हैं। और फिर अभी दिवाली भी आ रही है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत साफ कर देंगे तो अच्छा रहेगा, वरना फिर अकेले तो होता नहीं है। ये देखो यहाँ पे सब ऊपर से सामान उतार के दे रहे थे मुझे, और मैं नीचे रख रही थी एक एक करके। और यहाँ पे देखो कितने सारे सब गोनी वगैरह है, गोनी है सब, प्लास्टिक वगैरह सब रखा हुआ है इसमें। और ये देखो ये मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर फेंकने वाले थे, क्योंकि सब दोनों मिलकर अगर साथ में काम करते तो फिर जल्दी भी हो जाता है, वरना फिर अकेला आदमी करेगा तो फिर जल्दी नहीं होता है। साथ में करने से कहते ना कि जल्दी भी काम ख़त्म हो जाता है। ये सब गोनी भी सब उसमें बर्तन वगैरह सब रखे हुए, तो अभी उसको भी सब निकाल के सब उसको धोना है, धो के फिर रखना है वापस उसमें, क्योंकि ऐसे तो नहीं रख सकते उसमें। और ये सब देखो इसमें सब डब्बा वगैरह सब रखा हुआ है ऊपर, और पेटी में कपड़ा वपड़ा सब रखा हुआ है, उसको भी निकाल के सब साफ वगैरह करना है। और यहाँ पे देखो कितना सब ऐसा पूरा घर में कबाड़ा जैसा हो गया है, ये सब साफ करना है अभी निकाल के बर्तन वगैरह सब, क्योंकि फिर उसमें धूल मिट्टी बहुत हो जाता है ना, कितना भी मतलब धूल मिट्टी कितना भी साफ करो लेकिन धूल मिट्टी तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। और इसके वजह से देखो ये डब्बे पे भी कितना सारा धूल बैठ गया है, तो अभी इसको ऊपर से मतलब ऊपर से चढ़ के सब साफ कर रहे थे, झाड़ू से भी एक बार साफ कर देंगे और फिर ऐसे मतलब पोछा मार देंगे तो फिर पूरा साफ हो जाएगा। और यहाँ पे देखो सब हटा के अच्छे से सब साफ़ कर देंगे, क्योंकि जाला वगैरह सब लग जाता है ना, तो जाला घर में लगता है तो अच्छा नहीं होता है, इसीलिए फिर उसको भी सब झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर देंगे। नीचे का तो मैंने ही सब किया है साफ़, जो मुझसे नहीं हुआ फिर वो मेरे हस्बैंड ने किया है, मेरी हेल्प मतलब किए घर साफ़ करने में, वैसे तो वो मदद करते ही है मेरी घर काम में, जो मुझसे नहीं होता वो कर देते हैं। और बाकी तो मैंने अपना किचन वगैरह सब साफ़ कर ही दिया था पहले, और मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा नया मतलब नया फ़ोन आया नहीं है, नया फ़ोन आने वाला है मेरा, उसके बाद से फिर मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी, फिर मेरा डेली व्लॉग आएगा। और यहाँ पे देखो बेड का बेड भी साफ़ हो रहा था, बेड के अंदर का भी, ये देखो इतना सारा सब निकला हुआ है कबाड़ी जैसा, मतलब सुबह से शाम हो गई थी साफ़ करने में, सब दो जन लगे थे फिर भी मतलब साफ़ करने में तो टाइम लग ही जाता है ना। अभी धीमे धीमे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ निकल ही रहा था। और यहाँ पे देखो गद्दे को भी रखा था धूप में, ताकि फिर वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और ये सब देखो पर्दा वगैरह भी सब निकालना है, पर्दा को भी मतलब धो देना है, पर्दा वगैरह भी सब धोऊंगी। और यहाँ का भी मतलब ऊपर का सब साफ़ करना है, ये देखो यहाँ का भी मेरे हस्बैंड ही साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँचता ना, इसलिए फिर वो मतलब कर देते हैं, मतलब बहुत हेल्प करते हैं मेरी। और यहाँ पे भी मतलब साफ़ वगैरह करके, यहाँ पे जो फ़ोटो वगैरह लगा हुआ है ना वो तो मैं पहले साफ़ कर दी हूँ, लेकिन फिर से मैं साफ़ करूँगी बाद में दिवाली जब थोड़ी और नज़दीक आ जाएगी तो। और यहाँ पे ये देखो कितना सड़ा पूरा घर में कबाड़ा फैल गया है,
और ये जिसमें व्हाइट कलर में बांधा हुआ है, इसमें गद्दा है जो बिछाते हैं ना। पहले हमारा सिंगल था, सिंगल वाला गद्दा डाला था, अभी मतलब वो डबल वाला गद्दा ले लिया है ना, इसलिए फिर उसको बांध के वैसे रखा हुआ है। पहले ऐसा सिंगल सिंगल वाला था। और यहाँ पे देखो कबाड़ भी साफ करना था, कबाड़ भी पूरा ऐसे मतलब पीछे बहुत, इसके भी बहुत मतलब मट्टी वगैरह सब हो गए थे, धूल वगैरह। और ये कबाड़ भी तो मुझसे हिलता नहीं, इसलिए फिर ये भी फिर उन्होंने किया। और ये देखो और सिर्फ हटा वटा दे रहे थे, बाकी तो मैं कर ले रही थी। और आज मेरी सासू माँ आई थी घर पे, तो ये देखो ये जो सहजन की पत्ती होती है ना, उसकी सब्जी उनको बहुत पसंद है। और जो सहजन होती है ना, मोनिका भी बोलते हैं बहुत लोग, उसकी पत्ती की सब्जी उनको बहुत पसंद है। तो हमारे घर के पास में है बहुत बड़ा पेड़ है सहजन का, वहाँ से पत्ता जो पत्ते होते हैं ना, उसकी सब्जी मतलब दाल जैसा बनाते हैं। ये देखो ये मेरी सास है और मेरे हस्बैंड सोए थे वहाँ पे। और ये देखो ये सहजन की पत्ती है। और यहाँ पे मेरी सास मेरी मतलब ननद है ना, उनको कपड़े दिखा रही थी, वीडियो कॉलिंग की है ना, वीडियो कॉलिंग पे दिखा रहे थे नए कपड़े जो लिए। हेलो फ्रेंड्स, अभी बज गए शाम के, शाम हो गई है, 7 बज गए। ट्रक भी जाके पूरा काम खत्म हुआ हमारा, ये देखो। और अभी जाके साफ हुआ पूरा घर, आज सुबह से हम लोग साफ कर रहे थे घर को, क्योंकि दिवाली आ रही है ना, दिवाली की सफाई हो रही है घर में। और अभी थोड़ी बहुत और बाकी है, बाकी तो लगभग हो ही गया है, और थोड़ा बहुत और बाकी है, बाकी सब हो गया है। आज सुबह से उसमें हम लोग, हम दोनों जन लगे थे, मेरे हस्बैंड भी मतलब साथ में, हम लोग दोनों जन ने साफ किया इसीलिए। और आज का वीडियो यहीं तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।